था कि इतना मन होता है रोए, इतना मन होता है रोए, कर नहीं सकते हम। तो आप लोग से बयां कर रहे हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाते। इतना दिल भी दर्द है रोए, और इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है। आज अगर इंसान है ना, हद से ज़्यादा होने से ना किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, कोई भी इंसान नहीं दोस्तों। और अभी हमारे यहाँ पे हस्बैंड जी भी नहीं है, देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऐसा कहते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आज का वीडियो आप लोग हम दिखा दोस्तों, जो कि आरती की वीडियो दोस्तों, जो कि आरती रो रही है दोस्तों। और वो क्यों रो रही है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, जिससे आप लोग को पता चले कि आरती क्यों रो रही है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को हम दिखाएँ कि आरती क्यों रो रही है। इतना जो कि दरबारी है और यहाँ पे कोई नहीं है दोस्तों, यहाँ देखिए इधर भी है और वहाँ पे बच्चे सब खेल रहे हैं, वो भी बालू के पास देखिए बच्चे सब खेल रहे हैं और सबसे हट के बैठे हुए अकेले हैं यहाँ पे। और अकेले यहाँ पे क्यों बैठे हैं तो कितना आदमी तो समझ गए होंगे, लेकिन कितना आदमी नहीं समझे होंगे। जो नहीं समझे होंगे दोस्तों, तो आज हम बताने जा रहे हैं उनको कि आज मेरे अंदर क्या फीलिंग होते हैं, और हम अपने दिल की बात बता रहे हैं कि हमारे दिल में क्या बीतते हैं, हम किस तरह जी रहे हैं ज़िंदगी, कैसे जीते हैं हम और कैसे मेरा ज़िंदगी व्यतीत हो रहा है, सारा चीज़ हम आप लोग को आज बताएंगे दोस्तों। तो देखिए, हम सबसे पहले बात तो ये बोलते हैं, बहुत सारे आदमी कमेंट करते हैं, बहुत सारे आदमी का हम जब भी कमेंट, इसलिए हम कमेंट पढ़ना छोड़ दिए हैं। मतलब पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत हमको सोच और टेंशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे आदमी हैं कि बोलते हैं आपको क्या माँ बाप की याद नहीं आती है, आपको क्या छोटे जी की याद नहीं आती है, इतना खुशी रहते हैं, इतना मस्ती में रहते हैं। दोस्तों, हम अंदर से कभी खुश नहीं रहते हैं, और अंदर से जो इंसान खुशी रहते हैं ना, दिल से कह रहे हैं दोस्तों, जो इंसान अंदर से खुशी रहते हैं उनका ना चेहरा कभी घटेगा, ना इंसानों कभी बीमार पड़ेंगे, ये सबको पड़ता होगा। और बहुत सारी दीदी भी ऐसे बोलते हैं कि आरती दीदी, आप जो है ना अंदर से खुश नहीं रहते हैं, अंदर से खुश रहा कीजिए, भले आप बाहर से हंस बोल लेते हैं लेकिन अंदर से खुशी नहीं रहते हैं। हम लोग भी इंसान को पहचानते हैं, लेकिन कितनों हम बोल देंगे कि हम अंदर से भी खुशी हैं तो किसी को भी पता नहीं चले दोस्तों, मेरे अंदर क्या बीतता है ना, और किस तरह हम जिंदगी जी रहे हैं वो हमको खुद पता है। और इस तरह का तो बखान, मतलब बयान करने में अच्छा नहीं लग रहा है, सोच सोच के कभी कभार मेरा मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलते हैं। और अगर जो आजकल ऐसा है कि थोड़ा बहुत टेंशन कर लेना, थोड़ा बहुत भी, तो तुरंत सर में दर्द, तुरंत नर्वस हो जाते हैं। इसलिए करके ज़्यादा टेंशन ले, थोड़े नहीं किसी को भूल सकते हैं, जब तक जिंदगी है तब तक थोड़ी कोई भूल सकते हैं। वही अगर जो आज शादी कर देते तो दोनों घर सलामत रहते, आज वो भी दर दर भटक रहे हैं और हम भी दर दर भटक रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि दोस्तों हम नहीं भटक रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग देखिए कि मम्मी भी बीमार रहती है, पापा भी उसी तरह बीमार रहते हैं, दो दिन होते हैं, तीन दिन, ये अगर जो सही से होते हैं तो ना मम्मी आज इस तरह का टेंशन रहते, ना हम इस तरह दर दर भटकते, ना वहाँ का कोई मम्मी पापा मेरे भटकते। ऐसी थोड़ी है कि दोस्तों उस घर में टेंशन नहीं है, सिर्फ इसी घर में टेंशन है, टेंशन हर एक घर में, एक गलती, एक छोटी सी गलती के कारण जो है ना इतना सारा अभी भुगत रहे हैं। फिर भी आदमी, हमको तो ये आश्चर्य लगता है दोस्तों कि आप लोग इतना टॉर्चर करते हैं ना, हम कहते हैं कि आप लोग को मारना है ना दोस्तों तो आके खुद मार दीजिए, लेकिन इतना अलग से ही टॉर्चर मत कीजिए, क्योंकि हम भी एक इंसान है। इस तरह टॉर्चर करने से ना आदमी, इंसान डिप्रेशन में चल जाते हैं, कोमा में चल जाते हैं, और इतना सहन कोई नहीं कर पाएंगे दोस्तों जितना खुद सहन किए हैं। भले किसी को समझ में ना आए, भले कोई कुछ बोले, लेकिन मेरे अंदर बीता है दोस्तों, सारा चीज़ झेले हैं, इतना ठोमर में सारा चीज़ झेले हैं, हमको पता है। और अभी भी हम कैसे ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं वो हमको पता है। बहुत ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों कि हमको इस घर में खुशी नहीं मिलता है, कि हमको इस घर में खाने को नहीं मिलता है, कि कोई चीज़ का कमी होता है, कोई चीज़ रहने नहीं देते हैं, कोई चीज़ ला के नहीं देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। जो हमारे घर रहे हैं ना, सबको पता है कि एक बार कुछ बोल देंगे ना, हमको एक कपड़ा चाहिए, हमको ये खाना चाहिए, हम यहाँ जाएंगे तो कोई नहीं रोक सकते हैं, ठीक है तुम जाओ, ठीक है ला के देते हैं, कोई भी चीज़ ना खाने पीने में। फिर भी इस तरह शरीर है, क्यों किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, कोई भी इंसान नहीं दोस्तों। और इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है,
आज अगर यही खुशी से शादी कर देते ना, दोनों घर आबाद रहते, हम भी जाते आते। आज हम भी घर से कहीं नहीं जा रहे ना, हम भी अपना कैद में बंद हैं। लेकिन मेरी कोई दर्द नहीं समझ रहे हैं। तो कहते नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, मत समझिए। खैर मेरी ज़िंदगी है, कैसनों करके तो काटना पड़ेगा। ऐसा थोड़े कि अपने आप में, भगवान को तो कहते हैं कब उठा लेगा तो वही ठीक रहेगा। इस तरह मतलब जिंदा रहते हुए भी मरे हुए है इंसान, है जिंदा नहीं है दोस्तों। इतना टॉर्चर करने के बाद जो आदमी को क्या लगता है कि कोई इंसान जिंदा रहते हैं। और ये जो काला दिख रहा है दोस्तों, दिन रात रोते रोते से काला हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई भी चीज़ का फिक्र नहीं है, बहुत सारे चीज़ का फिक्र होता है इसलिए शरीर ऐसे है, लेकिन फिर भी खुश रहते हैं। फिर भी अपना ज़िंदगी देखते कि क्या करेंगे। बहुत सारी अभी उम्र है और बहुत सारे आदमी समझाते भी हैं। हम कहते इस तरह का मम्मी पापा नहीं मिलते ना तो हम अभी तक जीवित भी नहीं रहते, इसका मतलब कहीं भी जीवित नहीं रहते। कोई भी इंसान को इस तरह का मिले ना दर्द और इस तरह कोई सहन नहीं कर पाती, कोई ना कोई होते हैं। फिर भी क्या करेंगे, जिंदगी है, जीना पड़ता है। आप लोग से जब हद से ज़्यादा आप लोग टॉर्चर करते ना, ऐसे बात मत बोलिएगा कि मगरमच्छ का आंसू है, ऐसे है ये दिल से निकल रहा है, दिल से दोस्तों, ऐसे किसी का आंसू नहीं निकल रहा। आप लोग हद से ज़्यादा टॉर्चर करते हैं ना, इनके बाद में उस जुबान से निकलते हैं ऐसी सारी बात। और हम नहीं ज़्यादा मतलब बताने की कोशिश करते हैं आप लोग को, अगर जो एक रोज़ बताएंगे ना तो दो रोज़ बीमार पड़ेंगे। आप लोग के बता के इतना मन होता है रोए, इतना मन होता है रोए, कर नहीं सकते हम। और अभी हमारे यहाँ पे हस्बैंड जी भी नहीं है, देखिए कोई नहीं है, तो आप लोग से बयां कर रहे हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाते। इतना दिल में दर्द है, इतना दिल में दर्द है, मत पूछिए। और वो जब साथ में रहते हैं ना तो एक बार भी रोने नहीं देते हैं, मतलब इनमें रहते हैं ना तो एक बार भी रोने नहीं देते हैं, मतलब एनी टाइम समझाते रहते हैं और डांटते रहते हैं। यही खाने पीने के चलते, रोने के चलते एनी टाइम वो डांटते रहते हैं कि इस तरह का करेंगे फिर ज़िंदगी कैसे जियोगी, बहुत सारी बात। और इनके जैसे समझदार दोस्तों कोई भी नहीं होंगे, हम कहते हैं मतलब कोई भी इंसान होंगे कि जो खाने के लिए या कोई भी कुछ करते हैं तो इनके लिए डांटेंगे। सब सोचते हैं कि ना खाए तो भी ठीक है। किन्हीं का सास ससुर भी नहीं होंगे दोस्तों कि जो डांटेंगे खाने के लिए, सिर्फ कि इतना टाइम पे खाओ, ये खाओ, वो खाओ। किसी को ऐसा नहीं होगा कि दूध माखन मतलब वो क्या कहते हैं छेना रसगुल्ला ये सब ला के देते होंगे, लेकिन हमारे सास ससुर इस तरह के हैं दोस्तों, सारा चीज़ ला के देते हैं कि खाओ। नहीं खाने के चलते मम्मी भी हमको डांटती है। और कितना वीडियो में आप लोग वीडियो क्या हकीकत में भी कभी कभी तो वीडियो भी नहीं बना पाते, इतना डांटते कहा कपड़ा खींची छोड़ दो हम, जो कि मम्मी का कपड़ा खींचने का अथी नहीं है, हाथ में पूरा चमड़ा लग जाते, अपने से धोते हैं, हमको नहीं देते हैं धोने। बताइए इस तरह का प्यार किस घर में मिलेंगे। फिर भी अंदर में दर्द है, इतना प्यार मिलने के बावजूद जो कि मम्मी को इतना दर्द है, मम्मी अकेले में रो लेती है, हमको नहीं दिखाती है। हम रोते तो मम्मी शांत रहती है, हमको चुप कराती है। बताइए दोस्तों माँ का कितना दिल बड़ा है। माँ तो होनी चाहिए इस तरह की, माँ होनी चाहिए दोस्तों, माँ पिताजी। हम तो कहते हैं धरती पे माँ पिताजी नहीं है, भगवान है। और कोई भी इंसान आते हैं ना तो उनको बेटा से बेटा बेटी से बढ़ के मानते हैं। और कोई बहुत ऐसे इंसान है कि मम्मी पापा को समझ नहीं पाएंगे किस कैटेगरी के इंसान है, जो नहीं समझे। आप लोग देख चुके हैं कि आते जो कि क्यों रो रही थी दोस्तों, और बहुत ज़्यादा रो रही थी दोस्तों। तो आप लोग की वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आरती को इसी तरह वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे वीडियोज़ का। और इसी तरह वीडियो आप लोग भी चलाते रहे, इसलिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।